तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 ऐसी हॉरर मूवीज जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, इसे बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए और इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समग्राम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पहले नंबर पर हम जिस मूवी के बारे में बताने वाले हैं उस मूवी का नाम है हेरिडिटरी। इस मूवी को मोस्ट हॉरर मूवी इन डेकेड का अवार्ड मिला हुआ है। इस मूवी में छोटी बच्ची है जिसकी नानी की मौत संदिग्ध हालत में हो जाती है। उसके बाद से उसकी परछाई या आत्मा उस बच्ची से जुड़ जाती है, जिसके बाद कहानी में कई डरावने मोड़ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी वो देखते हैं। लेकिन बच्ची की माँ अपनी बच्ची और उसकी नानी के बीच इस छुपे हुए राज को खोजने के लिए कोशिश करती है। इस कोशिश में उसके सामने परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची घटना सामने आती है जो उसे हिला कर रख देती है। अब वो सच्चाई क्या होती है ये तो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो गाइस, दूसरे नंबर पर हम जो हॉरर मूवी बता रहे हैं उस मूवी का नाम है द अदर्स। इस मूवी में एक माँ और उसके दो बच्चे होते हैं। ये दोनों ही बच्चे फोटो सेंसिटिव होते हैं, इनको रोशनी से दिक्कत होती है। इसमें माँ अपने बच्चों को लेकर एक बहुत पुराने और गुप्त अंधेरे घर में रहती है। इसमें अचानक से ही कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो काफी डरावनी होती है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है और इसे 90% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। तो गाइस, तीसरे नंबर पर हम जो मूवी बताने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द साइलेंट हाउस। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में एक महिला की अद्भुत ताकतों के बारे में बताया गया है। इस फिल्म में एलिजाबेथ ऑलसेन ने डेब्यू किया था। इसे उरुग्वे की एक घटना से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत शानदार तरीके से दर्शाया गया है। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली है और इसे 73% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। चौथे नंबर पर हम जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। ये मूवी साल 1999 में रिलीज हुई थी। ये हॉरर मूवी एक असली घटना के आधार पर बनाई गई थी। इस फिल्म में तीन फिल्म मेकर्स की कहानी दिखाई गई थी जो काली पहाड़ी में छिप जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प है जिसे आप एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं कर पाएंगे। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है और इसे 81% गूगल लोगों ने पसंद किया है। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर हम जो मूवी बताने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वॉल्फ क्रीक। इस मूवी के दो पार्ट हैं। ये कहानी ऐसे दो अनजान लोगों की है जो सीरियल किलर थे और कई हत्या बहुत बुरी तरीके से कर चुके थे। इस फिल्म को देखते वक्त आप असली डर को महसूस जरूर करोगे। इसके पहले पार्ट को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है और दूसरे पार्ट को 6.1 की रेटिंग मिली है और इसे 84% लोगों ने पसंद किया है। तो गाइस, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्राम।